विभाग में निगाह के बाद किसी भी किस्म की आतिशबाजी, पटाखे, अनार, फुलझड़ी, बाजे गाजे, डीजे, नाच गाना और बाप का चढ़ाना ये हर की सारी उनके लिए बैन कर देगा, मामूल करार दिया गया। शहर और दीगर शहर और दीगर जगह से कोई भी आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, साहिबान निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही किसी को पढ़ाने दिया जाएगा। धर्म गुरुओं के फतवों के दौरान एक बड़ा निर्णय लिया गया है। पता नहीं इस निर्णय को लोग स्वागत करेंगे या इसका बहिष्कार करेंगे, मगर एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और डांस वांस करने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। क्या पता जिस समारोह में आप गए हो और आपके डांस वांस के शौक में उस समारोह में खलल पड़ जाए। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जमीयत उलेमा हिंद की स्थानीय शाखा के बैनर तले शाही जामा मस्जिद में उलेमा और नगर के मुस्लिम संगठनों, संस्थानों, मस्जिदों, मदरसों के जिम्मेदारों की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया। निर्णय था कि मुस्लिम की शादी में बाजा न बाजी, यदि बाजा बाजी तो निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। और भाई इत्तेफाक के राय तय किया गया कि तारीख 1 जनवरी 2023 से शहर के मुसलमान अपनी शादी या निकाह में निकाह से पहले, निकाह के अंदर प्रोग्राम में निकाह के बाद किसी भी किस्म की आतिशबाजी, पटाखे, अनार, फुलझड़ी, बाजे गाजे, डीजे, नाच गाना और बाप का चढ़ाना ये हर की साजिश उनके लिए बैन कर देगा, मामूल करार दिया गया है। हर किस्म की आतिशबाजी नहीं की जाएगी और किसी किस्म के नाच गाने, बाजे गाजे, पटाखे चढ़ना ये नहीं किया जाएगा। तरगीब और तरगीब के बाद अमल न करने की सूरत में शहर और दीगर शहर और दीगर जगह से कोई भी आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, साहिबान निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही किसी को पढ़ाने दिया जाएगा इंशाल्लाह। मीन्स कोई भी आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती और दीगर जिम्मेदारान बिरादरी इन प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं करेंगे। ये फैसला सभी की ताईद से मुतफिका तौर पर किया गया है, लिहाजा उस पर इंशाल्लाह सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी हतमी फैसले के लिए जो 5 रुकनी उलमा और जिम्मेदारान की शुरा बनाई गई है, वो जो भी फैसला देंगे वो उनका आखिरी और हतमी फैसला होगा इंशाल्लाह। शाही जामा मस्जिद में इमाम इदेन मौलाना अरशद कासमी, काजी ए शहर मौलाना आरिफ काश्मी की मौजूदगी में शादी में डीजे, बाजा बजाना, नाच गाना, घुड़ चढ़ी, आतिशबाजी प्रतिबंधित किया गया है। शादी में फिजूल खर्च को रोकने के लिए मुस्लिम उलेमाओं की ओर से लिए गए फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। हालांकि यह एक मुद्दा अभी नहीं बना है, जल्दी ही इसको मुद्दा बनाकर इसका विरोध भी किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।